हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका आपके अपनी चैनल टारगेट स्टडी पॉइंट में। हमने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में, जिसको हम लोग हिंदी में सकर्मक क्रिया कहते हैं। और आज के इस वीडियो में हम बताएंगे इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में, जिसको हम लोग हिंदी में अकर्मक क्रिया कहते हैं। ओके, तो आइए जान लेते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में, जिसको हम लोग हिंदी में अकर्मक क्रिया कहते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसके डेफिनेशन। चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ड आर डायरेक्ट वर्ड दैट डू नॉट हैव अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जिन भी क्रियाओं के साथ कर्म का प्रयोग किए बिना वाक्यों का पूरा होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, ही व्हिप बिटरली। देखिए, बिटरली का मतलब होता है फूट फूट कर, व्हिप का मतलब होता है रोना, और ही का मतलब होता है वह। तो इसका मतलब है कि वो फूट फूट कर रो रहा है। तो इसमें जो हमारा वर्ब है, इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं यूज हुआ है। तो इसमें जब भी वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं यूज होता है, तो वो हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब का सेंटेंस होता है। इसमें वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट यूज नहीं हुआ है, इसलिए ये सेंटेंस इंट्रांजिटिव वर्ब का सेंटेंस होगा। तो अगर यहीं पे इसके जगह होता ही विप बिटरली फॉर ट्वाई, मीन्स कि वह फूट फूट कर ट्वाई के लिए रो रहा है, तो इसमें वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, इसलिए ये जो सेंटेंस होगा वो ट्रांजिटिव वर्ब का सेंटेंस होगा। ओके, लेकिन हमारा सेंटेंस है ही विप बिटरली, तो इसमें वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये इंट्रांजिटिव वर्ब का सेंटेंस होगा। ओके, इसी तरह से हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सी इज लाफिंग। इसमें लाफिंग का मतलब होता है हंसना, और सी का मतलब होता है वह। तो इसमें सी इज लाफिंग, तो सी इज लाफिंग, तो इसका मतलब ये होता है कि वो हंस रही है। तो इसमें हमको ये नहीं पता कि वो क्यों हंस रही है। तो इसका मतलब कि इसमें वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं यूज हुआ है, इसलिए ये जो सेंटेंस होगा ये इंट्रांजिटिव वर्ब का सेंटेंस होगा। ओके, अगर यहीं पे वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट रहता तो वो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब का सेंटेंस हो जाता। ओके, अब हमारा थर्ड एग्जाम्पल है, दे आर गोइंग टू स्कूल। इसमें वर्ब के साथ क्या यूज हुआ है, ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट टू स्कूल है। ओके, तो इसमें देखिए, दे आर गोइंग मीन्स कि वो जा रहा है। हमको इसमें पता है कि वो कहाँ जा रहा है, वो स्कूल जा रहा है। तो इसका मतलब वर्ब के साथ इसमें ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, इसलिए ये जो सेंटेंस होगा ये ट्रांजिटिव वर्ब का सेंटेंस होगा। ओके, अगर यहीं पे सिर्फ हम ऑब्जेक्ट को हटा दे, टू स्कूल को हटा दे, और सिर्फ कहे दे आर गोइंग, तो इसमें वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं यूज हुआ है, इसलिए ये सेंटेंस होगा ये इंट्रांजिटिव वर्ब का सेंटेंस होगा। तो सिंपली समझ जाइए, किसी भी सेंटेंस में वर्ब के साथ अगर ऑब्जेक्ट यूज होता है तो वे हमेशा वो जो सेंटेंस होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब का सेंटेंस होता है। ओके, और अगर किसी भी सेंटेंस में वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट यूज नहीं रहता है तो वो सेंटेंस इंट्रांजिटिव वर्ब का सेंटेंस होता है। ओके, आइए अब देखते हैं वर्ब के कुछ एग्जाम्पल। इसमें हम देखेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब में कैसे सेंटेंस होते हैं और ट्रांजिटिव वर्ब में कैसे सेंटेंस होते हैं। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले अपना फर्स्ट सेंटेंस हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब में, तो वो है वी आर रीडिंग। इसका मतलब ये हुआ कि वो पढ़ रहे हैं।
इसमें देखिए हमको ये तो नहीं पता कि वो क्या पढ़ रहे हैं, वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या कि या फिर बुक पढ़ रहे हैं, ये तो नहीं पता है। तो इसका मतलब इस सेंटेंस में वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस इंट्रांजिटिव वर्ब का सेंटेंस होगा। अगर यही पे हम लोग कहे कि वी आर रीडिंग अ बुक, इसमें इसका मतलब ये हुआ कि वो बुक पढ़ रहे हैं। और क्या पढ़ रहे हैं? ये बुक पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो सेंटेंस है ये ट्रांजिटिव वर्ब का सेंटेंस है, क्योंकि इसमें वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। अब हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है आई एम प्लेइंग, इसका मतलब ये हुआ कि मैं खेल रहा हूँ। अब उनको ये तो नहीं पता है कि मैं क्या खेल रहा हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सेंटेंस में वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं यूज हुआ है। तो इसका मतलब ये जो सेंटेंस होगा ये ट्रांजिटिव वर्ब का सेंटेंस होगा। अगर हम लोग यहीं पे कहे कि आई एम प्लेइंग फुटबॉल, इसका मतलब ये हुआ कि मैं फुटबॉल खेल रहा हूं, तो इस सेंटेंस में हमको पता चल गया कि मैं क्या खेल रहा हूं, मैं फुटबॉल खेल रहा हूं। तो इसका मतलब इस सेंटेंस में वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, तो इसलिए ये जो सेंटेंस होगा वो किसका सेंटेंस होगा, वो ट्रांजिटिव वर्ब का सेंटेंस होगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।